दुनियादारी इज प्रेजेंटेड बाय विंडो गेमिंग ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ। घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंडो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश, जो आप अपने बैंक अकाउंट, UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। आज के दुनियादारी का विस्तार खूब है। एक देश के अंदर एक समूह है जिसको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, वो आज़ादी की मांग करता है। आज़ादी मिलती है लेकिन आधे टुकड़े को लगता है कि वो मूल देश के साथ ही ठीक है। फिर एक रविवार आता है, एक अहिंसक भीड़ पर गोली चलाई जाती है और उसके बाद उन लोगों का आज़ादी का आंदोलन हिंसक हो जाता है। ये हिंसा कई दशकों तक पसरी रहती है। इसका एक इंडिया कनेक्शन भी है, लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़ा हुआ। और इन सब के बीच एक और देश है जिसके शासक ने इन किसी की नज़र में आतंकवादियों तो किसी की नज़र में क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। और कुलजमा अब बात ये हो गई है कि उस देश की संपत्तियों को जब्त किया जाए और उससे इस हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। ये सरकार से मांग है। कई लोग कह रहे हैं कि मांग दुरुस्त है, कई ने कहा ये मुमकिन नहीं है। बात यूनाइटेड किंगडम की है, बात आयरलैंड से जुड़ी है, आयरिश आर्मी से जुड़ी है, रिपब्लिकन आर्मी से, और बात जुड़ी है लीबिया से। और इस बात में कई पेचोखम हैं। शुरू करते हैं कुछ किस्से और कुछ ब्यौरे। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे पहले बात रविवार की। 30 जनवरी 1972 का दिन, उत्तरी आयरलैंड का शहर था लंडनडेरी। यहाँ पर दोपहर बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, फिर ये सिटी स्क्वायर की तरफ मार्च करने लगे। इन प्रदर्शनकारियों की मांग क्या थी? ये अपने नेताओं की नज़रबंदी का विरोध कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन उनका आगे बढ़ना आसान नहीं था। अधिकारियों ने प्रोटेस्ट को बैन कर रखा था और साथ में इन्हें रोकने के लिए हथियारबंद सेना तैनात कर दी थी। तो एक तरफ हजारों की भीड़ थी और दूसरी तरफ हथियारों से लैस आर्मी। एक पक्ष आगे बढ़ने के लिए कमर कसे तो दूसरा रोकने के लिए। भिड़ंत होना तय था और ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने पहले रबर की बुलेट चलाई और फिर असली गोलियां, और जब गोलीबारी रुकी तो 13 लोगों की लाश सड़क पर बिखरी हुई थी और 17 बुरी तरह घायल थे। इस घटना को इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से, यानी खूनी इतवार के नाम से जाना जाता है। गोलीबारी के बाद आर्मी ने सफाई दी कि उसकी गोलियों से जो प्रदर्शनकारी मरे वो खुद हथियारबंद थे और वो सभी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA के मेंबर थे। ये दोनों दावे सरासर झूठे थे। उनकी एक अलग पहचान थी जो सत्य थी। क्या पहचान थी? ये सभी मरने वाले कैथोलिक ईसाई थे। अब यहां पर एक और पहलू सामने आ गया। खूनी इतवार से 5 दशक पहले चलना होगा इन दोनों दावों को समझने के लिए कि ये आयरिश रिपब्लिक आर्मी के लोग थे, कैथोलिक ईसाई थे, पूरा मामला क्या है। बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद की है। तब आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1914 में वहां आजादी की मांग उठने लगी और ये तेज हो गई। 1919 में आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने एक गुरिल्ला आर्मी बनाई और इसका नाम रखा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA। 1921 तक ब्रिटेन के साथ उनकी लड़ाई चली, फिर युद्ध विराम हो गया और आयरलैंड को आज़ादी मिल गई। लेकिन ये आज़ादी पूरे आयरलैंड को नहीं मिली थी। आयरलैंड का एक हिस्सा था जो आज़ाद हो गया और एक अलग देश बन गया, आज भी है। दूसरा हिस्सा ब्रिटेन के साथ ही खुश था। ये हिस्सा था उत्तरी आयरलैंड का, और इस खुशी के पीछे आर्थिक के अलावा धार्मिक कारण भी थे। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले बहुसंख्यक में थे। अब ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, हम जानते हैं कि ईसाई धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं। तो उत्तरी आयरलैंड इसी प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यकों के दम पर यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहा, लेकिन वहां कुछ कैथोलिक भी थे, वो इस फैसले से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड इनको एक ही देश होना चाहिए। वक्त के साथ साथ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच उत्तरी आयरलैंड में कटुता बढ़ती गई। कैथोलिक्स को लगा कि उन्हें दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, और ये काफ़ी हद तक सत्य भी था।
और इसी दुश्मनी के बीच दिसंबर 1969 में कैथोलिक विद्रोहियों ने प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। एक तो पुराना आईआरए था जिसने मांग की, गुरिल्ला वार लड़ा और उसके बाद आयरलैंड अलग देश बन गया। लेकिन ये जो प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी ये उत्तरी आयरलैंड में बनी, कैथलिक्स ने बनाई और तब तक उत्तरी आयरलैंड और अभी भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ये लोग क्या कह रहे थे कि ये जो उत्तरी आयरलैंड है ये आयरलैंड में मिल जाए। तो अगर आप नॉमिक्लेचर में कंफ्यूज ना हो तो लोग कहते हैं कि जो ओरिजिनल आईआरए था आयरिश रिपब्लिकन आर्मी उसे कहा जाने लगा ओल्ड आईआरए, और ये जो प्रोविजनल आईआरए बनाया गया था 60 के दशक के आखिरी में इसको आईआरए कहा जाने लगा। इस आईआरए के मकसद क्या थे? पहला, उत्तरी आयरलैंड से ब्रिटेन की सेना को बाहर भगाना, और दूसरा, उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड में मिलाना। इसके बारे में मैंने आपको बताया। शुरू में किसी ने इस गुट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन ब्रिटेन ध्यान देता रहा। शुरुआती दिनों में आईआरए के मेंबर तलाशने में मुश्किल भी होती थी और फंड के मामले में भी उनका हाथ तंग था, मतलब ये एक विचार ज्यादा था और असल में व्यवस्था कम। लेकिन 1972 का खूनी इतवार जिससे मैंने दुनियादारी की शुरुआत की, इसके बाद से लोग भड़क गए, आईआरए की इमेज भी बदल गई। सैकड़ों की संख्या में कैथोलिक नौजवान भर्ती के लिए इसके पास पहुंचने लगे क्योंकि अब वो हर कीमत पर ब्रिटेन से आजाद होना चाहते थे। यानी सैनिकों की गलती ने एक दबी हुई आग को हवा दे दी और इसके बाद एक खूनी खेल शुरू हुआ जो आने वाले 3 दशकों तक चला। इस पूरे दौर को द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। इस द ट्रबल्स के दौर में आईआरए ने सैकड़ों बम धमाके किए, कभी मेट्रो में, कभी कार तो कभी फुटपाथ पर। पूरे देश में असुरक्षा का माहौल, पूरे यूनाइटेड किंगडम में जो भी आईआरए के निशाने पर आया उसका अंत जैसे निश्चित हो। एक दौर ऐसा भी कि लोग घर से निकलने से डरने लगे। ये खौफ और बढ़ गया जब लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश क्राउन के बहुत करीब रिश्तेदार भी और भारत में आज़ादी के समय गवर्नर जनरल थे, उनकी हत्या हुई बोट पर बम विस्फोट के जरिए। दुनियादारी के एक पिछले एपिसोड में मैंने विस्तार से आपको इसके बारे में बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन की आईआरए ने ली तो उनका रसूख बढ़ गया। माउंटबेटन छुट्टियां मनाने गए थे मछली पकड़ने के लिए और नाव में तब धमाका हुआ था। द ट्रबल्स खत्म कब हुआ? ये पूरा दौर 1998 के बरस में। इस बरस में ईस्ट फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, कहा गया कि उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा रहेगा लेकिन उसे और अधिकार दिए जाएंगे और साथ ही दोनों पक्षों को यानी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स को बराबर का प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। और जब तक ये अमल में आता यानी शांति आती, तब तक के हिंसक संघर्ष का लेखा जोखा क्या था? 1800 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, इसमें 1000 से ज़्यादा ब्रिटेन के सैनिक थे, 500 से ज़्यादा आम लोग भी आईआरए के हमलों के शिकार बने थे। साल 2005 में आईआरए ने पूरी तरह से हथियार डाल दिया और उत्तरी आयरलैंड ये अभी भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब उस विषय पर आते हैं कि आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने आईआरए के हमलों से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देने के कुछ ऑप्शंस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये ऑप्शन क्या थे? मांग रखी गई थी कि ब्रिटेन की सरकार लीबिया की जो संपत्तियों को फ्रीज किया गया है उससे प्रभावित परिवारों के दर्द की भरपाई करे। दूसरा ऑप्शन ये था कि सरकारी फंड से पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और इसकी पूर्ति लीबिया की सरकार से की जाए। हम जानते हैं कि लीबिया कर्नल गद्दाफी की पहचान से जुड़ा है लेकिन इस वक्त वहां पर सिविल वॉर है और लीबिया का इस आईआरए में क्या रोल था ये भी बताएंगे। पर पहले मंत्री जी का बयान। ब्रिटेन में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका मामलों के मंत्री हैं जेम्स क्लेवरली। उन्होंने इन दोनों विकल्पों को कि फ्रीज संपत्तियों से पैसा लिया जाए या लीबिया की सरकार से वसूला जाए, इनको नकार दिया है। कहा है कि ब्रिटेन की सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ये गैरकानूनी होगा। ये भी कहा कि लीबिया में हालत खराब है, उथल पुथल है, सिविल वॉर है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी मुमकिन नहीं। अब मन में आता है वो सवाल कि आईआरए ब्रिटेन में तो लीबिया से खर्चे की वसूली क्यों? और इसकी वजह है एक तानाशाह की सनक। इस पहेली की एक अहम कड़ी लीबिया का भूतपूर्व सुप्रीम लीडर मुअम्मार गद्दाफी, जो 1969 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आया। उसके पहले सेना का अफसर था, इसीलिए कर्नल गद्दाफी कहते हैं, और इसने पूरे 42 साल तक लीबिया को अपनी धुन पर नचाया। शासन के शुरुआती दिनों में गद्दाफी ने घर के दुश्मनों को ठिकाने लगाया, फिर पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाई और इतने से भी मन नहीं भरा तो चादर और लंबी की। उसका मन था कि उसका सिक्का पूरी दुनिया में चले और इसी खपत में उसने दुनिया भर के हिंसक गुटों को मदद पहुंचानी शुरू की। उसके एजेंटों ने
आतंकवादियों को हाईजैकिंग और हमले की ट्रेनिंग दी और इसी क्रम में मदद का हाथ आयरिश रिपब्लिक आर्मी तक भी पहुंचा। एनस्किलेन और डॉकलैंड्स में जो बम धमाके हुए इसमें सेमटेक्स का इस्तेमाल किया गया था। ये लीबिया से आया एक प्लास्टिक विस्फोटक था। इसका प्रयोग कमर्शियल ब्लास्टिंग, डिमोलिशन और मिलिट्री हमलों में किया जाता है। ऐसा नहीं कि गद्दाफी ने आईआरए को सिर्फ विस्फोटक दिए, हथियार, पैसे और ट्रेनिंग भी दी। मीडिया रिपोर्टें कहती हैं कि गद्दाफी ने आईआरए को कम से कम, अगर सिर्फ विस्फोटकों की बात करें, तो 10 टन सेमटेक्स की आपूर्ति की थी। लीबिया प्रायोजित आईआरए हमलों के पीड़ित लंबे समय से आर्थिक मदद और मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस मांग में कुछ सांसद भी उनके साथ हैं। उनका कहना है कि पीड़ितों को सहानुभूति और सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिला, सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। लेकिन यहां पर आकर एक ये प्रश्न उठता है कि ये मुआवजे को लेकर जो बात हो रही है, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि आतंकी हमले में किसी की संलिप्तता तय हुई हो और फिर मुआवजा वसूला गया हो? हुआ है और सांसदों ने इसके उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे लीबिया को 3 मौकों पर अपने आतंकी हमलों के एवज में मुआवजा देना पड़ा। पहला उदाहरण यूटीए फ्लाइट 772, ये 19 सितंबर 1989 की बात है। कांगो से चार्ट जा रहा था फ्रेंच एयरलाइंस का विमान, इसमें ब्लास्ट हुआ और प्लेन में सवार सभी 170 लोग मारे गए और इनमें 18 देशों के नागरिक थे। इस हमले के लिए लीबिया के 6 नागरिकों पर पेरिस में मुकदमा चला। ये लोग गद्दाफी के करीबी थे, गद्दाफी ने उन्हें फ्रांस को सौंपने से मना कर दिया। फिर इस इनकार के बाद क्या हुआ, 2004 में गद्दाफी ने अपने चैरिटी फाउंडेशन के जरिए $17 करोड़ का मुआवजा दिया। हर एक पीड़ित परिवार को $1 मिलियन यानी कि $10 लाख की रकम दी गई। 7 परिवारों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। दूसरी घटना ला वैले डिस्कोथेक ब्लास्ट के नाम से जानी जाती है। ये बात कोल्ड वॉर के समय की है। वेस्ट बर्लिन में ये क्लब था। तब बर्लिन 2 अलग अलग शहर थे, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। और जो वेस्ट बर्लिन था वो जाहिर सी बात है कि वेस्ट जर्मनी यानी कि अमेरिका के प्रभाव वाला या कैपिटलिस्ट जर्मनी, उसका केंद्र था वहाँ का क्लब। और यहाँ पर अमेरिका के सैनिक मौज मस्ती के लिए जाते थे। 5 अप्रैल 1986 के दिन क्लब में एक महिला जाती है बैग के साथ। कुछ मिनटों के बाद महिला निकल जाती है बैग वहीं पर छोड़कर और फिर धमाका होता है जिसमें 3 लोगों की मौत और 229 लोग घायल होते हैं। इसमें 2 अमरीकी सैनिक भी शामिल हैं। 2001 में जर्मनी की अदालत इस पर फैसला सुनाती है और कहती है कि इसमें लीबिया की खुफिया एजेंसी का हाथ था। और फिर लीबिया 2004 में जो अमेरिका के अलावा दूसरे पीड़ित थे उनको $3.5 करोड़ का मुआवजा देता है। तीसरी और आखिरी घटना पेन एम फ्लाइट 103 ब्लास्ट के नाम से जानी जाती है। ये 21 दिसंबर 1988 की बात है। फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट से, जर्मनी से उड़ाकर डेट्रॉइट तक जाना था और बीच में 2 पड़ाव थे, पहला लंदन और दूसरा न्यूयॉर्क। लेकिन बीच रास्ते में ही इसमें ब्लास्ट हुआ। ये प्लेन स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर के ऊपर था जब ये ब्लास्ट हुआ और शहर के ऊपर जैसे लाशें बरसने लगी हों। धमाके में कुल 170 लोग मारे गए, मरने वालों में ज़्यादातर अमेरिका के नागरिक। इस मामले में भी लीबिया का हाथ सामने आया। 2003 में गद्दाफी ने हमले की जिम्मेदारी भी ली लेकिन ये मानने से इनकार कर दिया कि आदेश उसने दिया था। फिर लीबिया ने हमले से प्रभावित परिवारों को $2.7 बिलियन की रकम मुआवजे के तौर पर दी। 3 उदाहरण और इनके बिना पर सांसदों का कहना है कि अगर फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश लीबिया से मुआवजा वसूल सकते हैं तो ब्रिटेन क्यों नहीं। हम जानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन सारे हमलों का कारक गद्दाफी अब नहीं है। 2011 के अरब स्प्रिंग में कई देशों के साथ लीबिया में भी तख्ता पलट हुआ और गद्दाफी की सरकार चली गई और फिर दर दर भटक रहे तानाशाह को भीड़ ने पीट कर मार डाला। ये 42 साल के निरंकुश शासन का बेरहम अंत था। गद्दाफी की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने लीबिया की संपत्तियों को फ्रीज किया। ये रकम लगभग 12 बिलियन पाउंड के करीब है और इसी पैसे से पीड़ितों को मदद पहुंचाने की मांग चल रही है। ब्रिटेन की संसद में एक कमेटी है, नॉर्दर्न आयरलैंड अफेयर्स कमेटी। इसका बेसिक काम है उत्तरी आयरलैंड के बजट, प्रशासन और पॉलिसीज पर नजर रखना। 2017 में कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि 1970 से 2000 के बीच लीबिया ने आईआरए को बेहिसाब मात्रा में हथियार और पैसे दिए। फिर कमेटी ने सलाह दी कि ब्रिटेन की सरकार लीबिया पर मुआवजे के लिए दबाव डाले, पर तब भी ऐसा नहीं हुआ और अब इसके खिलाफ विरोध की आवाज़ें लगातार उठ रही हैं। नतीजतन सरकार ने एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया विलियम शॉक्रॉस के नाम से। कहा गया कि मुआवजे के मुद्दे पर सरकार को रास्ता सुझाएं
शॉक्रॉस ने पिछले साल मई के महीने में 2020 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इसे अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। सरकार रिपोर्ट को बाहर जारी करने के मूड में दिखती भी नहीं है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन मामलों के राज्य मंत्री जेम्स क्लेवरली के हालिया बयान ने ऐसी किसी भी संभावना पर विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार पहले से मौजूद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, पर लीबिया की फ्रीज की गई संपत्ति से मुआवजा नहीं दिया जा सकता। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि धोखा है, लेकिन सरकार कह रही है हम नियम कानून से बंधे हैं। और जो NI अफेयर्स कमेटी है उसने भी इस पर सरकार को लताड़ा है, कहा है कि अगर सरकार उस संपत्ति से टैक्स कमा सकती है तो मुआवजा देने में क्या हर्ज है। ये तो ब्रिटेन की बात हो गई, पर दूसरा मसला ये आता है कि जो सब लीबिया में हुआ था उस दौर में, वो कर्नल गद्दाफी के दौर में हुआ था, अभी गद्दाफी की करतूतों की जिम्मेदारी कौन ले। लीबिया में सिविल वॉर चल रहा है, कई कबीले और गुट हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और सत्ता की संसाधनों की बंदर बांट करने में लगे हैं। स्थायी चुनाव तक नहीं, इस साल दिसंबर में लीबिया में आम चुनाव होंगे। उम्मीद है कि दशक भर से चल रहा हिंसक संघर्ष रुके, लेकिन फिलहाल लीबिया आर्थिक और राजनीतिक उठापटक के ऐसे दौर में है कि मुआवजा उससे वसूला जाए ये मुमकिन नहीं लगता। तो ये पूरा मामला है। हमको लगा कि मुआवजा वसूली का ये मामला दुनियादारी में रोज़मर्रा की जो चीज़ें आपको बताते हैं उससे कुछ इतर है, इसलिए इसकी जानकारी देनी चाहिए। आज की दुनियादारी में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे चुनावी यात्रा के उस पार। लेकिन मेरे साथ ही लगातार दुनियादारी लेकर आपके बीच आते रहेंगे, बीच बीच में मौका लगा तो मैं भी आऊँगा। शुभरात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।